Welcome back. Now, on this Women's Day, we are celebrating 75 CRPF bikers who are out to set a record of riding 1,840 kilometers from Gurugram to Bastar. CNN News 18's Arunima gets you more in this report. Have a look. The rev of the bike, the horns, the Royal Enfield bullets. The sight itself might excite bike lovers. But add to it the visual of women bikers in uniform riding through dirt tracks and traffic-laden highways of India's heartland. 38 riders, 75 women, 1,840 kilometers, a ride from Gurgaon in Haryana to Jagdalpur in Chhattisgarh. That is what these women bikers are trying to achieve. They're riding from Gurgaon up to Agra, Gwalior, Shivpuri, Bhopal, Nagpur, Raipur, and then through the Naxal terrain between Raipur and Jagdalpur comes Kanker, comes Narayanpur. These are territories which are still Naxal dominated. And these women bike riders of CRPF are trying to set this record of 1,840 kilometers bike ride, also trying to prove a point that, you know, when it comes to women empowerment, there is nothing that keeps women personnel away. There is nothing that keeps them back. Amongst them are girls as young as 24 who have come from Chhattisgarh and women as old as 44 or even 50. Their assistant commandant is leading them. There are personnel there of rank of constable, personnel there of rank of inspector. What they are trying to achieve when they carry out their bike rides, and they plan to stop when they go to Agra, to Gwalior, and to Nagpur as well. They will stop en route and give their demonstration to people there, essentially telling them about what women are capable of and also tell people around about what CRPF really does. चौबीस साल की है आप, छत्तीसगढ़ से है, जगदलपुर से है, घर वापसी हो रही है आपकी, पर सोचा था कभी इस बाइक पे घर वापस लौटने को मिलेगा? मैंने सोचा था कि बस ट्रेन चलती हूँ, ट्रेन भी रायपुर तक ही चलती है, उसके आगे ट्रेन भी नहीं चलती, तो मैंने सोचा था कि जैसे नॉर्मली रोज जाते हैं ट्रेन से बस में, वैसे जाएंगे बस। तो आप जब सीआरपीएफ ज्वाइन की, आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे सीआरपीएफ के लोग बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, बहुत सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है। आप अपने बचपन के बारे में और कैसे उस नक्सल टेरिटरी में एक लड़की के लिए बाइक चलाना एडवेंचरस रहा होगा, थोड़ा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। जो हमारा घर है उसके पास एक बटालियन है, तो वहाँ से जब हम सुबह रनिंग करने जाते थे तो वहाँ से जो निकलते थे तो उन लोग रनिंग करते थे, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों मिक्स होते थे, तो उन्हें देख के अच्छा लगता था कि फोर्स वाले जिसमें लड़कियां भी है और एक डेंजर जगह है उसके बावजूद भी इन लोग कर रहे हैं, तो फिर उनको देख के अच्छा लगने लगा, तो फिर मन में आया कि हमें भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने घर में बोला कि मुझे करना है, तो पहले तो मना किया कि नहीं जाना चाहिए, बहुत डेंजर है और इधर फोर्स वाले को कोई पसंद भी नहीं करता। आपने एक बात सही कही कि वो इलाका ऐसा है जहाँ किसी भी फोर्स, किसी भी सरकारी नौकरी को खतरनाक ही माना जाता है, तो ऐसे बैकग्राउंड में सारा जब लौटेंगी छत्तीसगढ़, लौटेंगी बस्तर, बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगी, अखबारों में उनकी फोटो होगी, परिवार पे खतरा तो नहीं मंडराएगा, ऐसा कोई अनुभव, डर तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है, पर बोलते घर वाले कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज मत करना, वहाँ पे फोटो मत डालना, सुने थोड़ा डर लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसा तो ज्यादा डर नहीं है। के करीब महिलाओं को जिनका एज लिमिट भी 30 के ऊपर है, उनको बाइक पे बैठाकर गुड़गांव से लेकर बस्तर तक लेकर जाना, कहां से आया ये आइडिया? ये एक्चुअली मैम, ये जब स्टार्टिंग हुआ था 2014 में, तब से जो 15 राइडर थे, तब से हम लोगों के मन पे था कि हमारा एक बड़ा टीम बने और वो टीम कुछ अलग हट के करके दिखाए, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे महिलाओं की तरफ से एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा देश को एक मैसेज दे हम कि हम कुछ भी चीज के लिए पीछे नहीं है। आप ये जो बाइक राइड लेकर चल रही हैं, दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या सोच रही है, आपको क्या लगता है कैसा रिएक्शन रहेगा 1800 प्लस किलोमीटर? ख्याल तो काफी अच्छा ही है। मैं ये पहले एक बोलना चाहूंगी कि नारी कर्तव्य संग भर रही एक उड़ान है, ना कोई परेशानी ना कोई थकान है, यही नारी की पहचान है।
तो जहाँ नारी की बात आती है सब सोचते हैं कि अरे 1800 किलोमीटर कैसे जाएंगी, कैसे करेंगी, थक जाएंगी, इनको बहुत सारी परेशानियाँ होगी। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनौती तो है बहुत बड़ी कि हम इतनी किलोमीटर चल के जाएंगे, पहली बार जा रहे हैं, लेकिन मन में इतनी तसल्ली, इतनी खुशी है कि हम मतलब एक महिला टीम को लेके जा रहे हैं। Royal Enfield 350cc. These bikes weigh about 180 kilograms. And then when you have two riders, and often when this team of CRPF women are performing stunts, there are ladders and poles. Sometimes the total weight, they tell me, is about 400 kilograms. So what does it really take to maintain your balance on these bikes? Sangeeta is giving me a bike ride. She's from Bihar. Sangeeta, aapka pura naam, aapka designation aur umar. मेरा नाम संगीता मिश्रा है और मैं अभी 48 साल की हूँ और मैं बुलेट पे 10 फीट का सीढ़ी ऊपर में मैं जाके माउंट होती हूँ। 2020 में आप कर्तव्य पथ, तब शायद राजपथ नाम था उसका, उसमें इस तरह के स्टंट सीआरपीएफ की इस महिला टुकड़ी ने दिखाया था। टीवी पे सब लोगों ने समस्तीपुर में देखा होगा लाइव, कैसा अनुभव रहा हो? समस्तीपुर में, बिहार में, मैं पटोरी की रहने वाली हूँ और वहाँ पे तो हर आदमी के जुबा पे यही था कि बिहार की बेटी आज देखो, जिस गांव में साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं थी, आज वो पूरा देश हमें देख रहा था इंडिया गेट पे। तो बहुत ही बिहार के लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि हमारी बिहार की बेटी आज इंडिया गेट पे चल रही है। नाउ वी ऑल नॉट प्राउड, लुक एट दिस फ्लैग मार्च दैट द सीआरपीएफ वीमेन आर कंडक्टिंग। देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक 7 ऑफ देम ऑन दिस बाइक with the CRPF flag. So that is the kind of stunt that these girls are capable of performing. And the age, mind you, they're not really young in that sense, but young at heart. The average age here is about 36 to 40. Yet these women are out to take this message. A message that they gave to the country during the Republic Day parade is now being taken to the heartland of India, to Chhattisgarh, to Bastar, one of the remotest locations of India. They will now see what these women CRPF personnel are really capable of, what they can bring as far as outreach of CRPF is concerned, as far as Nari Shakti, the central theme of the Amrit Kaal is concerned, the 75th year of independence. Here are 75 women riders and the support staff who are out to make a record by riding 1800 and plus kilometers from Gurgaon all the way to Bastar. With Umesh Sharma, this is Arun. Well, with that, wishing all the women out there a very happy Women's Day. That's all for this segment. For all other news updates, stay tuned and keep watching CNN News 18. And to all our viewers, wishing you all a very happy Holi.